हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, आपके सामने खड़ी है ओनली 2024 होंडा एसपी 125 जो कि मैट ग्रे कलर में, काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन है आपके सामने। जिसको मैट पसंद है बिल्कुल इस कलर ऑप्शन पे आ सकता है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, किस प्राइसिंग में आती है प्रोडक्ट, इंजन में क्या माइलेज मिल जाता है, पावर एंड टॉक क्या मिल जाता है, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन एंड 125 सीसी में ये प्रोडक्ट आपके लिए बढ़िया रहने वाला है कि नहीं, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में लाइक पल्सर 125, सुपर स्प्लेंडर, रेडर 125, उससे ये प्रोडक्ट कितना बढ़िया रहने वाले हैं एंड आपके लिए वर्थ रहने वाली है कि नहीं। भाई, वीडियो के अंदर बने रहिएगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हर एक बात डिटेल में करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। एंड चैनल पर नए थे उसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बाइक्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी छपाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होंडा की, बिल्कुल आप गणपति होंडा पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, हमेशा की तरह अगर हम लोग इसकी कीज से स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसी यहाँ पर आपको कीज ऑफर हो रही है होंडा की ब्रांडिंग के साथ। एंड गाइज, जैसे इसको आप प्लग इन करेंगे एंड देन ऑन करते हैं, तो गाइज फ्रंट की जो लाइट है, हेडलाइट, वो लो बीम पर ब्लिंक करने लगती है एंड रियर की टेल लैंप वो लो बीम पर ब्लिंक करने लगती है। एंड गाइज, अब प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरियंट की बात करेंगे तो ये आपको 3 वेरियंट में ऑफर होगी। गाइज, आपके सामने इसकी बेस मॉडल खड़ी हुई है जो कि ड्रम वेरियंट है। टॉप मॉडल में गाइज देख रहे हैं तो स्पोर्ट एडिशन आ जाती है, सिर्फ वहाँ पे ग्राफिक्स आपको स्पोर्ट एडिशन वाली मिलती है, बाकी टेक्निकली कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। एंड गाइज, ये इसकी बेस मॉडल है। मिड वेरिएंट आपको डिस्क आता है, जहाँ पे आपको फ्रंट में ड्रम की जगह डिस्क ब्रेक ऑफर होते हैं, जो कि 2 से 3 हज़ार महंगी पड़ती है, जो कि अभी आपके सामने इधर खड़ी हुई है, जो कि डिस्क ब्रेक है भाई। तो गाइज, जिसको ब्रेकिंग थोड़ी सी अच्छी चाहिए तो बिल्कुल डिस्क ब्रेक पे जा सकता हूँ। मैं कहूँगा डिस्क ब्रेक पे जाइए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ब्रेकिंग लाइक 70-80 पे आप मारते हैं, गाड़ी काफ़ी स्टेबल होकर रुक जाती है। पैनिक ब्रेकिंग नहीं, ABS इसमें नहीं आता तो स्किड हो सकता है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ड्रम इसके लिए भी काफ़ी सही होता है। एंड बेस मॉडल है तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी रहने वाला है। टोटल 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, आप किसी भी कलर ऑप्शन पे जा सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 1,12,000 ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंस रेट में वैरी कर सकती है भाई। सो गाइस, ये थी प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट अपनी SP125 की। SP125 लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि भाई, गाड़ी सबसे पहले होंडा का जो 125 सीसी का ये इंजन है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बोलते हैं हेल्दी इंजन रहता है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, प्रॉपर सर्विस इसको अगर आप देते हैं तो। एंड सेकंड चेंज गाइस, इसकी माइलेज। थर्ड, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है प्रोडक्ट का। एंड उसका जो इसकी बॉडी पैनल वगैरह, वो भी काफ़ी सस्ती आती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो मेंटेन करने में मतलब पॉकेट खर्चा ज़्यादा नहीं होता। अगर आप मार्केट में पल्सर का जान ही रहे हैं, बजाज की प्रोडक्ट है, रेडर 125 में भी टेक्निकली आप देखते हैं तो बहुत सारे थोड़ी मोटी दिक्कतें, लेकिन ये बाइक ऐसी है जो आप लेने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। मैं किसी को अच्छा या बेकार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो है इसमें वो है भाई। सो गाइज, ये सब चीज़ें थी। एंड उसी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरियंट सभी चीज़ मैंने बता ही दिया है। यहाँ पर गाइज, सबसे पहले आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। लीवर्स आपको गाइज यहाँ पर मिलेंगे जो कि नॉन एडजस्टेबल है। एंड कुछ ऐसी इसको ओवरऑल हेड मिलती है, जहाँ पे गाइज आपको ब्लैक कलर की वाइजर मिलेगी, फाइबर की, होंडा की ग्राफिक्स। टर्न सिग्नल गाइज आपको हैलोजन मिल जाती है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं तो नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। सस्पेंशन अगर देखें तो गाइज यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। वहीं पर यहाँ पे नाउ फोक्स रिफ्लेक्टर, फाइबर मिलेगा फेंडर का जो कि बॉडी कलर है। एंड टायर प्रोफाइल ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो गाइज यहाँ पर काफ़ी बढ़िया पैटर्न में अलॉयबल मिल जाता है, जो कि 5 स्पोक है। टायर प्रोफाइल को देख रहे हैं तो यहाँ पे गाइज अपने को 80/100 सेक्शन का टायर मिल जा रहा है विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। एंड बेस मॉडल है तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही ऑफर होंगे। इसके ऊपर जाते हैं तो डिस्क का भी ऑप्शन है, बिल्कुल आप उस पर जा सकते हैं डिस्क ब्रेक का। एंड गाइज, कुछ ऐसी इसकी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल है। टैंक अगर आप देखेंगे गाइज, काफ़ी एग्रेसिव टैंक। एंड हाँ, 125 सीसी में काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग बाइक ये है, काफ़ी भड़कीली लगती है और रोड पर भी चलने पर एक फील आता है भाई इसको आप जब चलाते हैं तो। ये है भाई इसकी पूरी लेफ्ट साइड प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल मैंने दिखाई दिया है। सबसे पहले अगर हम लोग टैंक की बात करेंगे तो 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, मेटालिक टैंक आ जा रही है, फ्लैक्स फ्यूल को सपोर्ट करती है, 20 की ब्रांडिंग, फ्यूल लोब मिल जा रहा है आपको। ये आप देख रहे हैं फाइबर का पार्ट मिलेगा, होंडा की 3D यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाती है, लोगो बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलेगी एंड ये सब पार्ट आपको फाइबर मिलेगा साइड में। इस वेरियंट में या इस कलर ऑप्शन में अगर आप बोल सकते हैं तो कोई भी ग्राफिक्स नहीं आता, सिर्फ बॉडी पैनल मिलेगा। SP125 की ब्रांडिंग, यहाँ से आप अपना सीट ओपन कर सकते हैं। प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है, आराम से आप मम्मी या वाइफ को पीछे बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी बढ़िया फ्लैट सीट आती है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही हैं, एमरजेंसी में 3 लोग भी बैठ जाएंगे। एंड वुमेंस के लिए प्रॉपर आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे साड़ी गार्ड फुटरेस्ट मिल जा रहा है। एंड रियर में डुअल इंटैक्ट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको जो चैन कवर मिलता है ना, वो आपको फाइबर का देखने को मिलता है। प्लास्टिक में होता क्या है, जिससे कि रस्टिंग वगैरह की कोई दिक्कत होती नहीं है, और आयरन में जैसे जो मेटालिक होता है उसमें गैस रस्टिंग वगैरह की इशू आती है। आगे चल के धीरे 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 उसमें खड़खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है, तो वो चीज़ इसमें आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। बाकी मेंस के लिए भी फुटरेस्ट मिलेगा। एंड गैस जो इंजन है ये आता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, मतलब 5 गियर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको साइड स्टैंड मिल जा रहा है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ आता है, डबल स्टैंड भी यहाँ पर मिल जा रहा है भाई। बाकी ये थी इसकी ओवरऑल
साइड प्रोफाइल। बिल्कुल अभी हम लोग वीडियो के दौरान इसके मीटर कंसोल, स्विचेस के बारे में, इंजन के बारे में पूरी चीज़ बात अभी करेंगे। पहले एक बार वॉक अराउंड ले लेते हैं कि गाड़ी में पूरी चीज़ें मिलती क्या हैं। यहाँ पे ग्रैबल हैंडल, टेल लैंप देख रहे हैं तो भाई हैलोजन मिलेगा, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप नीचे मिल जाती है, यहाँ पे टर्न सिग्नल हैलोजन मिलेगी, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, फाइबर यहाँ पे देख रहे हैं तो मिल रहा है भाई अपना फेंडर फाइबर का, एंड कुछ ऐसी रियर टायर की ग्रिप मिलेगी। एंड गाइस ये है इसकी राइट साइड प्रोफाइल, रियर टायर प्रोफाइल। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो कोई सा भी वेरिएंट ले लीजिए, रियर में तो आपको ड्रम ब्रेक ही ऑफर होने वाला है 130 mm का। एंड रियर टायर प्रोफाइल को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे गाइस अपने को 100x80 सेक्शन टायर मिलेगा रियर में विद 80 inches ऑफ अलॉय व्हील। रियर में डुअल इंटैक्ट सस्पेंशन मिल रहा है। यहाँ पे गाइस आपको पूरी बॉडी पैनल फाइबर की मिली है, SP125 की ब्रांडिंग। फुटरेस्ट अपने को मिल जाता है। एंड गाइस काफ़ी कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट मिलता है विद क्रोम मफलर, इनहेंस स्मार्ट पावर की ब्रांडिंग। गैस यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ किक भी ऑफर हो रहा है, इनकेस बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है बिल्कुल आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। फुटरेस्ट वगैरह मिल जा रहा है होंडा की, यहाँ पे आपको 3D ब्रांडिंग। एंड गैस अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल एंड स्विचेस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको रियल टाइम गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, डिजिटल फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी तक भी गाइस इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स नहीं मिले हैं, या और भी इंडिकेशंस मिल जाते हैं लाइक साइड स्टैंड, इंजन चेक लाइट, हाई बीम लो बीम, टर्न सिग्नल वार्निंग वगैरह मिल जाएगी। 2 buttons मिल जाते हैं हमारी को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल बार, फिजिकल की नॉब। एंड स्विचेस को देखते हैं तो राइट साइड में इंजन कट ऑफ का स्विच, सेल्फ स्टार्ट का स्विच, एंड लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास का इंटीग्रेटेड स्विच, टर्न सिग्नल, हॉर्न की स्विच मिल जा रही है, रियर व्यू मिरर। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड अपने SP125 का। लाइट्स वगैरह फ्रंट में LED, रियर में और टर्न सिग्नल ये सब हैलोजन मिल रहे हैं थ्रू, लेकिन गाइस उस LED का काफ़ी सही है। सीट वगैरह भी काफ़ी यहाँ पर बढ़िया, आपको वेल कुशन्ड यहाँ पर सीट मिल जाता है। ये था भाई इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या व्हीकल की डायमेंशन, इंजन में पावर एंड टॉर्क मिलता है हमेशा की तरह। गाइस सबसे पहले इसके हम लोग इंजन की ही बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको 124cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BS6 Phase 2 इंजन ऑफर हो रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर 10.72 BHP की मिली है 7500 RPM पे एंड 10.9 Nm की टॉर्क मिली है 6000 RPM पे। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, 60-65 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है, 100 किलोमीटर पावर तक की टॉप स्पीड एंड 11.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आ रही थी SP125। गाइज अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो ओवरऑल लेंथ आपको 2020 mm की मिल रही है, 785 mm की विड्थ, 1183 mm की हाइट, 1285 mm की व्हील बेस एंड 160 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जा रही है। इनकेस अगर आप इसको हिली एरिया माउंटेन एरिया में लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 790 mm की सीट हाइट है तो शॉर्ट राइडर भी इसको इजीली चला लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिनकी हाइट छोटी है वो भी इस प्रोडक्ट को इजीली मनोवर कर लेंगे भाई। 116 kg तक की यहाँ पे आपको कर्वेट देखने को मिल जाती है, तो वेट में भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जिससे कि आप इसको इजीली चला लेंगे और गाड़ी माइलेज भी बढ़िया देगी और सिटी में राइड करने में भी परफेक्ट रहेगी। बाकी फ्लैक्स को सपोर्ट करती है, 20 की ब्रांडिंग मिल जा रही है यहाँ पे आपको। सो गाइज ये थी अपनी होंडा SP125 मैट ग्रे कलर की फुल डिटेल ली, जो चीज़ें क्या मिली थी मैंने आपको बता दिया, 7 color ऑप्शन मिल जा रहे हैं। गाड़ी गाइज एकदम लो मेंटेनेंस पे आराम से लेके चलिए, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं रहता है। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करेगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेरिजन में छपाने के लिए। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ, के लिए टेक केयर, बाय बाय।